अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं ऐन हशीर की तरफ। ऐन हशीर वादी दरबार से आगे एक वाटर पूल है नेचुरल तवातीर का एरिया में। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे दरबार की तरफ, देखेंगे दरबार का अगर वो वाटरफॉल चल रहा हुआ तो उसकी सिचुएशन क्या है। और यहाँ पर इन लोगों ने एक पास टुमान करके एक साइट बनाई हुई है जिसमें इन्होंने ओमान के जो पास्ट को पोर्ट्रेट किया गया है। वो पहले हाफा में थी लास्ट ईयर, इस दफ़ा इन लोगों ने एक सेपरेट सादा एरिया में बना दिया है। तो विल गो ओवर देयर एंड विल सी, लेट्स गो। लें जी, हम पहुंच गए हैं नशीर की साइड पे। बड़ा ही प्यारी ड्राइव थी, बादल आए हुए थे। जबल समहान के जो पहाड़ है ना उसके ऊपर बादल का बड़ा प्यारा फॉर्मेशन हो रहे थे। बारिश पहले थी, बाद में क्लियर मौसम हो गया और बादलों का बहुत ही प्यारा मौसम था। फिलहाल नशीर पे पहुंच गए, बारिश नहीं हो रही, मच्छर वगैरह का सीन तो है फिर भी। पहले ये पूरा कच्चा एरिया था, अब इन लोगों ने ये सीढ़ियों का हिसाब भी बना दिया। यहीं पर आपको नज़र आएंगे कदीम और बड़े मुनफरिद बेआबाब ट्रीज़ भी, जो नॉर्मली आपको इसी एरिया में मिलेंगे और कहीं नहीं। जैसे ही ऐन हशीर के एरिया से हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है ग्रेविटी पॉइंट एरिया, जहाँ पर एक किस्म की ऑप्टिकल इल्यूजन ही कह सकते हैं। जो अगर आप यहाँ से देखें तो सामने जो रोड है वो आपको थोड़ी सी एलिवेटेड नज़र आएगी, बट गाड़ी न्यूट्रल होने के बावजूद अपने तौर पर चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे जो रोड है वो ऊपर की तरफ है। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बैक साइड। तो आप प्रॉपर देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हम पहुंचे हैं जी यहाँ के माजी की यादों में और देखते हैं इन लोगों ने अपना माजी या पास्ट कैसे पोर्ट्रेट किया है। ايوه اكمل معاكم
फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।